हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं लाइव बागेश्वर धाम सरकार, उनका बड़ा ऐलान, और ऐसे लग रहा है पीएम मोदी और राहुल गांधी के बारे में कोई बात होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। किस बात पे? राजनीति पर। ये भी काफी आजकल धर्म की बात। राहुल गांधी है। स्वागत। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजपीठ के देश की प्रमुख सत्ता पर जो बैठे हैं और राष्ट्रहित जो कर रहे हैं उन सबको बागेश्वर पीठ से साधुवाद। अगली तो कुछ कहना। आप प्रधानमंत्री मोदी जैसा काम कर रहे हैं उस पर आप कुछ प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ कुछ काम कर रहे हैं? किसी पर क्या कहेंगे, जो कर रहे हैं सब हमारे लिए, तो सब जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया है। नमस्कार व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान होंगे। इनकी उम्र भले ही केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विषय बने हुए हैं। ये खुद को कट्टर सनातनी हिंदू राष्ट्र का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े पर्यायोजक बताते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का। अभिनंदन आपका। हनुमान चालीसा लगाई है। अभिनंदन आपका। ये अच्छा है। ये किसने गाया है हनुमान चालीसा? किसने किया? मैंने नहीं सुना, मैं पहली बार सुन रही। शास्त्री जी आपका अभिनंदन है। पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और आर पार के इस कार्यक्रम को भी बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछूं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है आपका। बड़ा क्रेज है, इतना क्रेज तो बॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप की इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेन्द्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार है। हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? चमत्कारी है, अवतारी है, कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लगा। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है, और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता। आपका दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन आलोचक भी हैं आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक। वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है, सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। ये देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे?
और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से ना कभी झुकेंगे, ना कभी मुड़ेंगे, ना कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है, 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, यू कह दीजिएगा सेम और वो इतना प्रेम करते हैं, और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद है AI MIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते हैं, वैसे हम भगवाए हिंद कह सकते। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कैसे साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनीय व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो, ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे, वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे, और इस देश में एकता ना हो पावे, इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है, वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी, राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठठरी के, बहुत प्यारा शब्द है ठठरी, तो मैं पूछ भी नहीं थी इसका मतलब क्या है। आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है, परिवार के लोग हमारे जानते हैं। ठठरी बरे शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठठरी सबकी बरनी है, और उसकी ठठरी बर चुकी जो सनातन के खिलाफ, उसकी ठठरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ। तो सनातन के खिलाफ अब किसको मानते हैं? ठीक, जिन लोगों का आपने नाम लिया। आपके मित्र हैं अच्छा 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी, ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे, कई लोगों को आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं, कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने, वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया और हम भी प्यारे यही करते हैं, क्या गुनाह करते हैं। शेख मुबारक बॉलीवुड बॉयकॉट के विषय पर, बुलडोजर पर, वो इस तरह के विवादित बयानों से वो कहते हैं मैं सहमत नहीं हूं। उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्र हैं आपके पर? मित्रता तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत रंग और धर्म और पंथ नहीं देखती। मोहब्बत तो चांद से भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें, स्वागत करें? हमने सिर्फ विनम्रतापूर्वक कहा आत्मरक्षा। हमारा यह बयान पूर्णतया अहिंसात्मक है, इसमें हिंसा को बुलडोजर चलवाना अहिंसात्मक, अहिंसात्मक है, इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी जगह नहीं। हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ, हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुलडोजर चलवाओ। आज एक दौर है, आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं जो कि बहुत नेक काम है, इसमें कोई इसकी तारीफ भी मैं करना चाहता हूँ। आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी, तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी? हाँ, उन्होंने की, बहुत लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की, उसमें शेख मुबारक एक ने,
बहुत अच्छी भूमिका निभाई। देखो, हम आप सबको बताएं, यहाँ जो बैठे हैं, जो टीवी पर आर पार पर देखेंगे, हमने अपने जीवन काल में बहुत झंझट देखो। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, करोड़ों अरबों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। ये व्यवस्था है इस प्रकृति की। हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे, बहुत आंसू बहाए, बहुत संघर्ष, आज भी संघर्ष। लोगों को लगता है, लोग तारीफ करते रहे जिंदगी भर उस दीवार पर टंगी चित्र की, लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देखा। आज लोगों को चुभ रहे होंगे हम, आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बनठन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है, लेकिन उसके पीछे हमने कितने संघर्ष झेले और कितने झेल नहीं रहे। सनातन हमारे बाप की बाप होती है, हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे, सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है। कन्या विवाह 125-50 करवाने के लिए कर्जा उठा उठा करके हम बेटियों का विवाह कर रहे हैं, उससे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। 4 साल से निःशुल्क भंडारा चलवा रहे हैं, इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है, ना आश्रम का हित हो रहा है, और हमारा तो आश्रम भी नहीं बन पा रहा है। और आगामी समय में आने वाली कथाओं की दक्षिणा से कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वो भी मंत्र चिकित्सा करने वाली एक परंपरा का एक साधक, उससे भी हमारा कोई हित नहीं है। हमारा सिर्फ संकल्प मानवता और प्रत्येक व्यक्ति को राम से जोड़ने का। लेकिन आपने बोला अब तो मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए हैं, अब इनके आगे कौन। दयालु, हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, हम प्रभाव में पड़ने वालों में से नहीं है। हमारे ऊपर पहले ही एक का प्रभाव पड़ चुका है, वो बजरंगबली का है। बाकी हम प्रभाव में बहुत ज्यादा, प्रभाव के लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं, और प्रभाव के लोगों से बहुत ज्यादा हम मतलब भी नहीं रखते हैं। कोई आए तो स्वागत है, सब आते हैं। आपने एक बात बोली कि अक्सर लोगों को हंसाने वाला अकेला बैठ के रोता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अकेले बैठ के आप क्या सोचते हैं, जब रात को समय हो जाता है, जब तो आप अकेले होते हैं। 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी जी, चाहे हम सो लें, चाहे हम जो कर लें, क्योंकि वहां हजारों लोग आते हैं। हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो बेचारे इन पर क्या बीतेगी, अपेक्षाएं लेकर के लोग आते हैं। हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ 2-3-4 घंटे जो होते हैं। चार अकेले क्या सोचते हैं बाबा? सनातन, लोगों का हित कैसे हो जाए। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है, पूर्व विदेश मंत्री हैं, सलमान खुर्शीद साहब, वो कहते हैं कि राम राज्य इज इक्वल टू निजामे मुस्तफा, ये दोनों समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 1,98,56,58,110 साल पुराना इस प्राचीन, इससे भी ज्यादा प्राचीन है ये, तो एक हमने लगभग लगभग बताया है। अब कोई अपने आप से तौलता है ये उसकी बेचारे की मजबूरी है। राम राज्य की अगर वो कल्पना कोई आपने नाम लिया है, पवित्र मुंह से हम वो लेना नहीं चाहेंगे, अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है, वो बेचारे की मजबूरी है। और तौलना भी चाहिए, बड़ों के सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज्जत बचाते। मजेदार है, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा था ओवैसी का, तो ओवैसी ने आपको पता नहीं ऐसे कुछ बोला है, तो इन्होंने रिप्लाई दिया सेम टू यू, बोल दो उसको मेरे लिए। और उसके बाद जो उसकी की उसकी जो जवाब दिया था वो बहुत ही अच्छा था। और इन्होंने एक दूसरी भी बहुत अच्छी जो बात की थी वो ये की थी कि हम कन्वर्ट नहीं करते, हम किसी का कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी घर वापसी कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि यहाँ पे पहले भारत देश में जितने भी थे सब हिंदू थे, एक ही धर्म था, और बहुत पुराना ये धर्म है, वही बता रहे थे कितना पुराना धर्म है। तो और हम किसी को फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, यहाँ उनको बोलते भी नहीं कि तुम करो, वो अपने आप ही कर रहे हैं घर वापसी, उनको ना बोला जाता है ना उनको कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम नहीं कराते हैं। तो काफी अच्छी बातें थी। और वो जो फोटो दिखाई थी पहले राहुल गांधी की, बिल्कुल वैसी बन पहन पून के जो आया हुआ खड़ा था, तो कह रहे थे नो कमेंट्स। और मोदी जी और योगी जी का भी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मजेदार। देखिए अच्छी बात है, वो पॉलिटिक्स से बाहर जा रहे हैं।
एक बातें उन्होंने बिल्कुल क्लियर की हैं कि मैं साधारण इंसान हूँ, सिर्फ बजरंग बली की थोड़ी आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट है, उनका कनेक्शन है भगवान से, बजरंग बली से, और जो भी हो रहा है उनके थ्रू ही हो रहा है, मगर मैं एक साधारण इंसान हूँ। जितना भगवान ने आप पे किया है रहम, उतना मुझे भी किया है, बहुत लोगों ने जिन पे किया है, मगर मैं सिर्फ सनातन धर्म कहता हूँ, क्योंकि अगर इंडिया को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे, पाकिस्तान को कहेंगे right? और ये कहने कि सभी लोग पहले हिंदू थे और वापस वो हिंदुज़म में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट right? तो क्लियर कर दिया कि मैं माइंड रीडर भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, साधारण इंसान हूँ, और जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, दैट इज़ वेरी नाइस टू से, हम्बल है। और उन्हें बताया जो जो अटैक कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरा ये थॉट प्रोसेस है और मैं उसी के हिसाब से बढ़ रहा हूँ, और मेरे इतने सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं और हम लोग ये अचीव कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और उन्होंने जो लोग हैं जो इस तरह से गंदे बातें करते हैं, उन्होंने कहा मैं तो उनका नाम भी नहीं लेके अपनी जुबान या अपना मुंह गंदा करूंगा, तो मज़ा आया। तो चलो फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट करेंगे किसी और दूसरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना, कब आता है उसके लिए आपको खुद ही सब्सक्राइब करके, कहाँ पे जाना चाहिए इनको, ट्विटर पे, ट्विटर पे आपको आ जाना चाहिए, तो ट्विटर पे में अपडेट करते हैं, तो वो वहां पे आपको पता चल जाएगा जैसे इसका सेकंड पार्ट लगेगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।